नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है अपना खान पान। और ये हर मंगलवार और शनिवार को शाम को 7 बजे आता है। वसंत पंचमी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। मीठा चावल मैंने भोग में बनाया है, तो चलिए दिखाती हूँ कैसे मैंने बनाया है। मीठा चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 300 ग्राम बासमती चावल, और जितना चावल लेंगे उससे जस्ट डबल पानी लेंगे, मतलब 600 ग्राम पानी लेंगे, 600 मिलीलीटर। और इसके साथ लगेगा 2-3 इलायची, दालचीनी, लौंग। रात में मैंने सोख कर दिया था बादाम, इसको काट के सजाएंगे ऊपर से। और चावल के भीतर डालने के लिए कच्चे बादाम को मैंने काटा है लंबे लंबे पीसेस में। पिस्ता है, ये मीडियम साइज का काटा हुआ है। किशमिश है, इसको धो के रखा है मैंने। और अब बारी आती काजू की, इसको ही मैंने मोटा मोटा काटा है। ड्राई फ्रूट्स आपकी इच्छा के ऊपर है, आप एक डालो, दो डालो, तीन चार तरह के डालेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये अपने ऊपर है, ऑप्शनल है, थोड़ा बहुत डालेंगे तो ज़रूर अच्छा लगेगा। अब मैंने चावल को अच्छे से धो के 10 मिनट के लिए छन्नी में रख दिया ताकि अच्छे से पानी इसका निकल जाए और ये थोड़ा सूखा हो जाए। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे, घी मैंने रखा है 6 चम्मच, 6 टेबलस्पून। चीनी, चावल 300 ग्राम था तो मैंने 150 ग्राम चीनी रखा है, उससे आधा। और केसर रखा है गरम दूध में ताकि रंग अच्छा छोड़े और खुशबू अच्छी आए। तो अब पैन हमने गरम कर लिया है गैस पे, और इसमें हम अब घी डालेंगे और उसको पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे। 6 टेबलस्पून घी है, इसी में हम ड्राई फ्रूट्स भी छान लेंगे और चावल भी भुनेंगे। तो एक ही साथ मैंने घी ले लिया है, घी थोड़ा अच्छा लेना होता है क्योंकि देसी खाना है तो घी की ज़रूरत है, और थोड़ा अच्छे से लेने से स्वाद अच्छा होगा। तो देखिए, काजू, पिस्ता, बादाम थोड़ा ही भूनना है, 1-2 मिनट भूनते ही ये अच्छा पिंक हो जाता है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में किशमिश, क्योंकि ये तुरंत ही फूल जाता है और जलने भी लगता है, तो थोड़ा सा चला के हम इसे निकाल लेंगे। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए अब रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। और फिर से घी छान के हमने चावल के लिए पैन में डाल दिया, और तेज़पत्ता बोलना भूल गई थी, तेज़पत्ता भी है, और बाकी लौंग, इलायची, दालचीनी थोड़ा सा कूट लिया है मैंने ताकि खुशबू अच्छी आए। इसको हल्का सा हम भून लेंगे थोड़ा सा ताकि खुशबू अच्छी निकलने लगे, और इसके बाद चावल डालेंगे जो हमने छान के रखा था, पानी से अच्छे से धो के रखा था। चावल मैं फिर से बता दूं आपको, 300 ग्राम चावल है, और चावल का मेजरमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कटोरी, कोई भी ग्लास, जितना चावल होगा उससे डबल पानी होगा। पानी मैंने दूसरे साइड गरम किया है कुकर में, और जो चीनी होगा वो चावल से आधा होगा। मैंने 300 ग्राम मैंने चावल लिया है तो 150 ग्राम चीनी होगा। देखिए, कुकर मैंने इसलिए लिया है कि इसकी तली मोटी होती है, बेस मोटा होता है, तो चावल डालने से जलेगा नहीं। तो गर्म पानी में अब धीरे धीरे हम लोग भुने हुए चावल डालेंगे, और गैस का फ्लेम हमेशा एकदम कम रहेगा, बिल्कुल कम, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल स्लो रहेगा, ताकि धीरे धीरे, ये बिरयानी टाइप में पकता है, इसे धीरे धीरे पकाना होता है, काफ़ी टाइम लगता है। और जितना कम चावल चलाएंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो क्या, चावल टूटते जाते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट उबाल आने की तैयारी में है, और हम 1-2 बार चला के इसे बार बार ढक देंगे कुकर के उल्टे ढक्कन करके, ताकि भाप से चावल धीरे धीरे पकता रहे। हल्दी मैंने यूज़ किया है 1/2 टीस्पून रंग आने के लिए। मैं फूड कलर नहीं यूज़ करती क्योंकि उसमें केमिकल होता है, और हल्दी वैसे भी अच्छा है और रंग भी हल्का सा आ जाता है, तो मैंने रंग के लिए 1/2 टीस्पून लिया है। और देखिए, हल्का सा पीला रंग आ गया है, पक्का बसंती रंग। उबाल आना शुरू हो गया है, तो हम एक बार सारा ड्राई फ्रूट सब डाल देंगे जो हमने भुना हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही इजी मेथड हमने बताया है। बहुत लोग चीनी की चाशनी भी अलग से बनाते हैं, ये देखिए चीनी डाल रहे हैं,
150 ग्राम चीनी है ये, और बहुत बैलेंस मीठा है। जिसको मीठा ज़्यादा चाहिए वो थोड़ा और चीनी डाल सकता है। ये मीठा बहुत बैलेंस बनता है, बहुत इजी मेथड है, आप आराम से बना सकते हैं और एक ही पॉट में सारा बन जाता है। बस टाइम देना होता है और गैस को बहुत ही स्लो रखना होता है ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे। लास्ट में मैंने केसर डाल दिया और ये उसको हल्के हाथ से चलाएंगे जितना हो सके, ताकि चावल जैसे जैसे पकता जाए वैसे वैसे टूटता जाता है, इसलिए हल्के हाथ से थोड़ा ही चलाएंगे। और इसको देखिए उल्टे करके ढक्कन से मैंने ढक दिया है। 2-3 मिनट ढक ढक के बीजों उठा के फिर चलाते रहेंगे। अभी एक बार फिर से चला देंगे। बसंत पंचमी में या तो मीठा चावल या मीठी बूंदी का भोग लगता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं मीठा चावल बनाऊं। आशा आपको बहुत पसंद आएगा ये। और ये देखिए दोबारा मैं ढक्कन हटा के देख रही हूँ, बनने को तैयार है, फिर भी 10 मिनट लगेगा। और अब ये देखिए चावल रेडी है। अब मैंने नीचे तवा रख के गैस को काफ़ी कम तो रखा ही हुआ है, कुकर रख दिया है ताकि बिल्कुल कम में तैयार हो जाए। और अब ये देखिए पुलाव रेडी हो गया। तो अब बादाम से सजा देंगे। हैप्पी बसंत पंचमी।